बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, रहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, शुक्रिया। आप देखते हैं कि ट्रैफिक के कुछ उसूल हैं। गाड़ी सड़क पर जब चलती है तो जब रेड लाइट जलती है तो इसका मतलब आप रुक जाइए, अब सामने वाले के गुजरने का हक है। जब ग्रीन लाइट जलती है तो अब आपके गुजरने का हक है, क्योंकि रास्ता मुशरक है। ये सड़क के बनने में सबका पैसा शामिल है, मेरे टैक्स की पैसे भी इसमें शामिल हैं, सामने वाले के टैक्स के पैसे भी इसमें शामिल हैं, खुद गवर्नमेंट के भी इसमें पैसे शामिल हैं। तो गोया के सबके मुश्तरक मालियत के साथ सड़कें बना दी गई हैं। ये शारा आम है, हर एक को वहाँ से गुजरने का हक है। अब अगर बगैर किसी जाब्ते के इनको छोड़ दिया जाए तो आप देखेंगे कोई भी गाड़ी नहीं चला पाएगा, कि सबकी गाड़ियां स्टक हो जाएंगी, क्योंकि हर एक कोशिश करेगा कि मैं पहले अपना हक पूरा करूं, सामने वाला चाहेगा मैं अपना हक पूरा करूं, नतीजा कि दोनों की गाड़ियां स्टक दरमियान में खड़ी हैं। तो लिहाजा हुकूमत वक्त ने या ट्रैफिक के उसूलों ने एक जाब्ता मुतय्यन कर दिया कि अगर ग्रीन लाइट है तो अब आपके चलने का हक है, अब आप अपना हक पूरा कीजिए। अगर रेड लाइट है तो सामने वाले के चलने का हक है, अब वो सामने वाला गुजरेगा आप ठहर जाइए। नतीजा ये कि सबकी जिंदगी की गाड़ी चलती रहती है। और यहां तक कि अगर कोई बेजाबतगी करे कि रेड लाइट के बावजूद अगर गुजर जाए तो आप देखते हैं कि आमतौर पर एक्सीडेंट हो जाते हैं, हलाकतें वाकई हो जाती हैं, लोगों की गाड़ियां टोटल हो जाती हैं, एक मुसीबत इंतशार जो बरपा हो जाता है। तो ज़ाब्ता असल में इंसानों को जिंदगी गुजारने का सलीका बतलाता है। तो बिल्कुल इसी तरीके से अल्लाह तबारक व ताला ने दुनिया के अंदर एक ज़ाब्ता हुकूक व फराइज़ का नाजिल कर रखा है कि जब इंसान उन ज़ाब्तों के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं और अपने अपने फराइज़ को अदा करते हैं तो सामने वाले के हक अदा होते हैं। नतीजा यह है कि दुनिया के अंदर हर इंसान अपने अपने मौके पर जिंदगी गुजारता है और राहत और इत्मीनान के साथ आखिरत की मंजिल को तय करता रहता है। इसलिए अल्लाह तबारक व ताला ने दुनिया में हुकूक व फराइज का ज़ाब्ता नाजिल कर रखा है।